हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जयमा टैरो की आज की जनरल रीडिंग में, आज की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन यानी कि आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग। गाइस, ये ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप किसी और रीडिंग में जा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। देखते हैं डिवाइन कार्ड, डिवाइन टैरो आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग बताते हैं। कार्ड उछल उछल के आ रहे हैं, क्या चक्कर है भैया? इससे पता चलता है आप रीडिंग देखने के लिए बहुत उतावले रहते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड नाइन ऑफ सोर्ड्स। लीजिए टेन ऑफ वॉन्ड्स फायर साइन। अर्थ साइन थ्री ऑफ पेंटिकल। टू ऑफ वॉन्ड्स। द डेविल मेजर अरकाना का 15 नंबर का कार्ड। फोर ऑफ सोर्ड्स। फाइव सिक्स सेवन बॉटम क्या है? देखिए गाइस, डिवाइन टैरो ने बोटम कौन सा निकाला है। जैसे कार्ड आते हैं वैसे ही बोटम आता है, यानी कि द टैरो। गाइस, सबसे पहले थोड़ा सा आपके रिश्ते को लेके चलेंगे हम पास, यानी कि आपके रिश्ते को थोड़ी, आप में से कुछ लोगों का मुझे लगता है ब्रेकअप हुआ हुआ है, ब्रेकअप हुआ हुआ है। और आपके पर्सन की जो भावना है, पर्सन जो है, ये सबसे पहले हम आपके ओवर चलते हैं। आपके मन में उसके लिए कुछ, आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। और आपके और उनके रिश्ते में क्या चल रहा है? ट्रस्ट इशू, ब्रेकअप की तदार पे हो आप, ट्रस्ट इशू। और आपको हमेशा लगता है कि ये पर्सन कुछ आपसे छुपाता है, चीज़ें पूरी तरह क्लियर नहीं करता, क्लैरिटी नहीं देता। और इसलिए आप इतने परेशान हो कि आप हमेशा सोचते हो कि क्या करूं, कैसे पता चले, कैसे चलेगी चीज़ें, आगे कैसे जाएगी लाइफ, आगे कैसे कटेगी। इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। और इनको देख के आप लव करते हो, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो। और आपके पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेट है, बहुत प्यार करते हैं आपसे। लेकिन मैंने जहाँ तक आपको बताया कि पैशनेट वाला लव जो होता है, एक लव होता है मर मिटने वाला, वो लव नहीं होता। प्यार करते हैं, मिस भी करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप पे ऊपर डिपेंडेंट है। गाइज, आप लोगों का लगता है ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन इस टाइम आपके पर्सन की स्थिति ऐसी है, इन चीज़ों की वजह से उनके जो थर्ड थ्री ऑफ पेंटिकल्स का ये बताता है कि उनके लिए कोई और ऑप्शन चूज करने के लिए उनको कहा है। आपसे ब्रेकअप करने के बाद या करने के लिए उनकी फैमिली कह रही है, क्योंकि टावर का कार्ड आया है। और वो उनकी फैमिली वाले जब वो ऑप्शन के चक्कर में रहते हैं, कोई और रिश्ता, कोई और रिलेशन ढूंढने के चक्कर में है, लेकिन वो उनकी फैमिली वाले चाहते हैं कहीं और इनका सेटलमेंट हो, कहीं और इनकी मैरिज हो। इसलिए आपके पर्सन को उस चीज़ के लिए
बोला जाता है, इसलिए आपके पर्सन जो है इसलिए आपसे चीज़ें भी छुपाते हैं, और ट्रस्ट इशू आप लोगों के रिश्ते में रहा है। कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो चुका है, लेकिन वो आपके साथ जब रिश्ता जोड़ा वो आज भी पैशनेट है आपको देख के, और पहले भी थे, लेकिन इस टाइम इतने कन्फ्यूज़न में फंसे हुए हैं, इतने कन्फ्यूज़न में फंसे हुए हैं कि उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनके जो घर परिवार है वो उनको कोई और चीज़ दूसरी रिश्ते में चीज़ कई रिश्ते दिखाते हैं, कई सब कुछ दिखाते हैं कि किसी में ये पर्सन हाँ बोल दे। इस चीज़ को लेके ये बहुत अपने ऊपर बर्डन ओवर बर्डन मतलब फील करते हैं। इस टाइम वो ऐसा फील कर रहे हैं ओवर बर्डन। हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप ना हुआ हो, लेकिन आप उनके पर्सन के साथ ये चीज़ें चल रही हो, लेकिन कुछ लोगों का ब्रेकअप, इसमें ये कार्ड ब्रेकअप का है। ब्रेकअप जब भी रात को अकेले होते आपको मिस करते हैं, और उनकी फैमिली वाले या उनके और ऑप्शन देखने के लिए कहते हैं, वो इसीलिए इतने परेशान हैं कि उनकी लाइफ में उनको बर्डन फील होता है। आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, दूर बैठे देखते हैं, आपको मिस करते हैं, जब भी अकेले होते हैं आपके बारे में सोचते हैं। अगर आपके रिश्तों में ट्रस्ट इशू आया है तो वो सिर्फ इसलिए है कि आपके पर्सन कंफ्यूज है, और वो जानते हैं कि चीज़ें आपके साथ चलती हुई उनको आगे नज़र नहीं आ रही, अपने घर परिवार को अच्छे से जानते हैं, आपके साथ पैशनेट है। पर ये भी बात है कि जहाँ इनकी फैमिली इनके ऊपर बर्डन या किसी चीज़ का कलेश डालती है, तो फिर इनको दबके उस चीज़ के लिए हाँ बोलना पड़ता है। पर इस टाइम की कंडीशन उनकी ऐसी है कि रिश्तों को लेके कहीं आपको कहीं फैमिली को लेके बर्डन सा बना हुआ है, अलग अलग चीज़ चूज़ करने के लिए कहा जाता है, ज़बरदस्ती करी जाती है। वो फिर क्या करते हैं, जब अकेले होते हैं आपको मिस करते हैं, स्टॉक करते हैं, और ट्रस्ट इशू आप लोगों की रिश्तों में जो पड़ा, जिसने ख़राब किया अपने रिश्ते को, सोचते बहुत हैं लेकिन आपको अपनी पूरी बात बता नहीं सकते। देखिए गाइज, बॉटम आया द टॉवर, टॉवर का कार्ड यही बताता है कि अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, जहाँ आप ब्रेकअप की तदार में पड़े हो, तो आपके पर्सन का देखिए ये टेन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया, कितना बर्डन है। और ये बर्डन का कार्ड और ये टावर का कार्ड देखिए, ये टावर का कार्ड यही बताता है कि बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ है, सारी चीज़ें बहुत बुरी तरह से तहस नहस हुई है। हो सकता है उस टाइम आप लोगों ने सोच लिया हो कि चीज़ें सेटल नहीं होगी, लेकिन आपके पर्सन आज भी बहुत आपको मिस, जब भी अकेले होते हैं, रात को भी अकेले होते हैं, आप ही को याद करते हैं। पर ये बॉटम का कार्ड टावर का ये भी बताता है कि रिश्ते में न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, रिश्ता न्यू सिरे से फिर शुरू होगा है। लेकिन आपके पर्सन की जहाँ करंट फीलिंग की बात है, जैसा मैंने बताया, आप रिश्तों को लेकर उनके ऊपर बर्डन सा पड़ गया है। आप अगर उनके साथ इस टाइम डील कर रहे हो, आप उनको चीज़ें आगे ले जाने के लिए कहते हो, वो पूरी तरह क्लैरिटी नहीं दे रहे आपको, मिस करते हैं आपको, पैशनेट है आपके लिए, स्टॉक करते हैं आपको, लेकिन चीज़ें आगे चलती हुई नहीं आ रही नज़र। लेकिन आपके रिश्ते में ये कार्ड बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही होना है। द टावर का कार्ड बताता है, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बताता है कि आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग होनी है। लेकिन किस लिए, क्योंकि उनकी जो फीलिंग है, भले ही वो पैशनेट है, वो वाली फीलिंग नहीं है मर मिटने वाली, लेकिन वो लेके आज भी आपको लेके पूरी सीरियस है, आपको मिस करते हैं, आपके साथ चीज़ें आगे लेके जाना चाहते हैं। जो फैमिली तरह तरह के ऑप्शन दिखा रही है, उनको ज़बरदस्ती यस करने के लिए बोलती, वो अपने ऊपर बर्डन फील कर रहे हैं। इस टाइम वो हैप्पी नहीं है, उनकी जो फीलिंग है हैप्पी वाली नहीं है, कि अगर कोई कहे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, हैप्पी वाली फीलिंग है। चलिए एक कार्ड और निकालते हैं कि आपके पास वो आएंगे, रिश्ता आप ही के साथ शुरू कर, अगर वो जैसे ये कार्ड बता रहे हैं कि आपके साथ ही उनकी मर्जी है आगे बढ़ने की, या फैमिली वालों ने उनसे अलग किया है, कोई भी रीज़न है, तो क्या वो आपकी ज़िंदगी में, लाइफ में दोबारा आएंगे? चलिए देखते हैं। गाइस, इस कार्ड ने सारा जवाब दे दिया, आपकी लाइफ में आएंगे, उनके लिए वो अपने अंदर स्ट्रेंथ भी पैदा करेंगे,
और उस स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? जब आप मैनिफेस्ट इधर से करोगे, उधर से वो अपनी तरफ आपकी जो वाइफ है उनके पास जाएगी और उनके अंदर हिम्मत बनेगी, वो भी गॉड की तरफ ध्यान लगाएंगे तो उनमें स्ट्रेंथ आएगी। ये कार्ड फुल पॉजिटिव है, उनकी 100% तो कुछ नहीं होता, एनर्जी चेंज होती रहती है, पर पूरी वाइब्स बनेगी, स्ट्रेंथ आएगी, वो आपके पास आएंगे। अगर वो आ जाते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है उन्होंने कुछ लोगों को ब्लॉक में डाल रखा है। जा आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा तो उसका ये कार्ड यही बताता है, जितना परेशान होके आ रहे हैं जा आएंगे वो स्ट्रेंथ लेके, आपने अपने एटीट्यूड नहीं दिखाना और कोई किस्म की हमेशा पॉजिटिविटी दिखानी है, सैड नहीं होना, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा पुरानी बातें नहीं खींचनी। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो आपने ये नहीं कहना मुझे ब्लॉक कर दिया है। ये है आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। अच्छे वाले कार्ड के साथ एक ही आया, अच्छा।